और ये हमारे मोती झील का हाल, बहुत ज़्यादा क्राउड है अभी भी मार्केट में, बहुत ज़्यादा रश है। वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ अनामिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज है मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एंड आज के दिन सभी लोग बहुत चार्ज हुआ करते थे कुछ टाइम पहले, बट जब से कोविड सिचुएशन चल रही है तब से क्या मंडे क्या संडे कुछ समझ नहीं आता है। तो बस आज वीक का फर्स्ट डे है, एंड आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम है, इससे आज मैं जल्दी उठी हूँ। अभी सुबह के 9 बजे मेरे लिए एक्चुअली जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है रीज़न कि रात भर जागने के बाद सुबह दिल नहीं करता उठने का। एंड आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे, मार्केट जाना है और तीज की तैयारी आज से मैंने शुरू की है, और देखते हैं क्या क्या हो पाता है, कितना कुछ हो पाता है। लास्ट थर्सडे फ्राइडे को ही मैंने सोचा था कि मैं जा कर के कुछ लूँगी मार्केट से, बट मुजफ्फरपुर का हाल जो है, माशाल्लाह क्या हाल है, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी है। तो उसमें मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं हो रहा था कि मैं निकलूँ कहीं भी, क्योंकि किधर जर्किंग है, किधर रोड है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर सैटरडे संडे लॉकडाउन था तो उसमें नहीं गई, और आज से तो मुझे सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन मतलब ख़त्म हो रहा है, अब 7 डेज मार्केट्स ओपन रहेंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ जाने का। और देखो, इधर 3-4 दिन जब नहीं गई थी तो बारिश नहीं हो रही थी, और आज जब मुझे जाना है तो इतनी मतलब चारों तरफ बादल लगी हुई है, पूरा मौसम काला हो रखा है, तो बारिश होने की चांसेस हैं। तो अब मुझे जाना है थोड़ा सा पार्लर, थ्रेडिंग वगैरह कराना है, फेस मेरा इतना गंदा हो रखा है, तो फेस थोड़ा सा ठीक कराऊँगी, क्लीनअप वगैरह करा लूँगी, वैक्सिंग करा लूँगी थोड़ा बहुत और उसके बाद मुझे ड्रेस लेना है। ड्रेस के लिए मैंने सोचा था, बीच में मैं सोचती थी ना कि मैं नहीं जाती हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट में वैसे कुछ नया कुछ आया भी नहीं है, और मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैं वही कैरी करूँगी उस दिन। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ ले लेते हैं तीज के टाइम पर, तो जाती हूँ देखती हूँ, अगर मिल गया अच्छा कुछ भी मिला तो मैं लूँगी, अदरवाइज मैं स्किप कर दूँगी, जो मेरे पास अवेलेबल है मैं वही पहनूँगी, और जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। बेबी को छोड़ के जाने में भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी देर के लिए आज मुझे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो हस्बैंड के फ्रेंड आएंगे 12 o'clock को या 12:30 तक आएंगे, तो उनके साथ मैं फिर निकलूँगी। और शावर वगैरह लेना है, शैम्पू करना है, मैंने कल बाल में ऑयलिंग करी थी, क्योंकि मेरे ना नीचे से बाल अजीब से हो गए, 2 साल हो गया मैंने मुझे हेयर कटिंग किए हुए, लास्ट ईयर मैंने डिबॉन्डिंग कराया था, उस टाइम पर मैंने हेयर शॉर्ट नहीं कराए थे अपने। एक सेकेंड, सॉरी ये साउंड के लिए, इसको इग्नोर करना। ये रोड साइड का घर है ना, तो कुछ ना कुछ गाड़ी वगैरह आते जाते रहता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, लास्ट टाइम मैंने जब रिबॉर्डिंग कराई थी, एक डेढ़ साल हो गया होगा, हाँ, तो उस टाइम भी मैंने हेयर कटिंग नहीं था, क्योंकि मुझे थोड़े से लंबे बाल पसंद है। बट एंड फिर ये 9 मंथ्स जब मैं प्रेगनेंट थी तब भी हेयर कटिंग वगैरह मैंने नहीं लिया था, क्योंकि कहते हैं कि नहीं, हेयर कटिंग नहीं कराना चाहिए। तो 2-2.5 साल हो गए मुझे हेयर कटिंग किए हुए, तो अब आज मैं बालों में थोड़ा सा नीचे से हल्का सा ट्रिमिंग करूँगी, क्योंकि मेरे बाल बड़े गंदे हो रहे हैं, और अब तो मेरे नॉर्मल बाल मतलब नॉर्मल हेयर्स आ चुके हैं, उनका ग्रोथ हो चुका है, और जब नॉर्मल हेयर जैसे थे उससे भी गंदा मेरा बाल हो गया एक्चुअली। तो अभी रिबॉन्डिंग नहीं कराऊंगी मैं, क्योंकि वैसा कुछ अभी कहीं आना जाना हो नहीं पाता है, और उसके लिए फिर 4-5 घंटे मुझे चाहिए होंगे, तो वो अभी मैं नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बेबी जब हल्का बड़ा हो जाएगा ना, जब संभलने लायक हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको छोड़ करके फिर जा पाऊँगी। तो बालों में फिर रिबॉन्डिंग बाद में कराऊँगी, अभी हल्का सा हेयर कटिंग मुझे कराना है, और आगे से मैं सोच रही हूँ हल्का सा लेयर्स करा लूँ, तो वो सारी चीज़ें आज करानी है। इतनी सारी चीज़ें सोच के मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए, जो भी होगा मैं आपके साथ अपडेट करती रहूँगी। चलिए मिलते हैं फिर शावर लेने के बाद, रेडी होने के बाद। बाय बाय। हो गई हूँ बिल्कुल मैं रेडी, और मैं निकल रही हूँ अभी मार्केट के लिए, और हमेशा की तरह मैंने यही वाली ड्रेस कैरी करी है, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है और डेली वेयर के लिए बहुत सही है, और फिर आकर के वॉश करना होता है ड्रेस को, तो मैं सोचती हूँ जब यही निकला है तो इसे ही कैरी करूँ। और कुछ भी नहीं किया मैंने, लाइनर अप्लाई किया है, काजल वगैरह कुछ भी वेयर नहीं किया है, लिपस्टिक भी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जब से कोरोना शुरू हुआ ना, लेडीज़ की लिपस्टिक वैसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मास्क पहनना होता है, तो उसके बाद क्या ही लिपस्टिक लगाऊँ। और शैम्पू भी नहीं किया मैंने, क्योंकि सलोन
में ही वो लोग शैम्पू करेंगे, तो फिर वहाँ जाकर के देखते हैं क्या होता है। अगर भीड़ हुई तो मैं कटिंग वगैरह नहीं कराऊंगी, कुछ भी हेयर कटिंग वगैरह नहीं कराऊंगी। तो चलिए बहुत लेट हो गया है, मैं ये वाली बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि इसको ये पूरा ना भरा हुआ था, तो मैंने फिर आज इसको भी खाली किया है क्योंकि फिर इतने सारे जो भी वो लोग बैग से रहते हैं ना वो कैरी करना बहुत मुश्किल है, तो एक में ही सब कुछ आ जाएगा, तो इस वजह से मैं ये वाली बैग लेके जा रही हूँ। तो चलिए बातें नहीं करती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मार्केट में मिलूंगी, अदरवाइज फिर मार्केट से आने के बाद मिलती हूँ। बाय। I'm done with my eyebrows और अभी जा रही हूँ मार्केट। तो ये देखो, ये हमारी मुजफ्फरपुर की मेन मार्केट मोती झील का हाल। वाओ, कैसे जाना है, किधर से जाना है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। एंड दिस इज़ आवर स्मार्ट सिटी, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी। चलो फाइनली जाना था, मैं आ गए हम लोग। अभी तक तीन शॉप मैं घूम चुकी हूँ बट कुछ भी पसंद का नहीं मिल रहा है, कुछ भी नया प्रोडक्ट आया ही नहीं अभी तक शॉप में। अभी बस एक दो कुछ ड्रेस पसंद आया, वो मुझे मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फाइनली लिया है मैंने रिक्शा और जा रही हूँ मैं। हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, और ये हमारे मोती झील का हाल। बहुत ज़्यादा क्राउड है अभी भी मार्केट में, बहुत ज़्यादा रश है, और यही रीज़न है कि मैं आना नहीं चाह रही थी। बट जो भी मुझे लेना था वो मुझे मिल गया है। इयररिंग्स नहीं लिए मैंने अभी तक भैया, इयररिंग्स लेना था। मैंने भैया साइड में रुकेगा, एक आगे स्टॉल लगाता है वो इयररिंग्स का रखता है, उससे जाकर के कुछ इयर रिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि जो भी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी थी वो मेरे घर पे है और हस्बैंड अभी तक आए नहीं है कि मैं घर जाके वापस कुछ ले सकूँ। तो बस ये देखो, मैं हाल दिखाती हूँ आपको मोती झील का। पता नहीं ये पानी कब निकलेगा। घर पे भी कॉल किया था, बेबी अभी ठीक है, स्लिप कर रहा है अभी वो, बस फटाफट से। अभी मुझे ना 3-4 घंटे लग गए हैं, हेयर कटिंग मैंने नहीं किया क्योंकि अभी इतना ज़्यादा भीड़ थी सैलून में तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, और 3-4 घंटे मुझे वहीं पे लग जाते तो मैंने वो स्किप कर दिया, कभी और कराऊंगी। बस फटाफट से घर पहुँच जाओ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है, कौन सी ड्रेस लिया है, कैसा बैंगल्स लिया है, वो सब शेयर करूँगी आपके साथ। निकल रही हूँ मार्केट में अकेले, वो भी मतलब 9 मंथ्स तो मैं अकेले कहीं भी नहीं निकली थी, हस्बैंड अकेले कहीं नहीं जाने देते थे मुझे, और वो जाना फिर सही भी नहीं रहता था उस टाइम पे, और स्कूटी भी नहीं है अभी, स्कूटी तो मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं, स्कूटी से जाने की हैबिट भी चली गई है मेरी, और रिक्शे पे मैं कितने टाइम के बाद बैठी हूँ अकेले, तो मैं उसका कंट्री बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, रियली इंजॉइंग इट। फाइनली जा रही हूँ अपने घर, यहाँ पे भी मैंने ले लिया है रिक्शा। बहुत पानी आना हो गया भैया हाई स्कूल के पास, बहुत पानी है।
हाँ, इसीलिए आप ज्यादा ले रहे हैं मेरे से पैसा, है ना? आप बोले इतना पानी है, चलिए बैटरी भी हो गया है लो फोन का। अब घर से जाके नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक इस ब्लॉग को ये पेंड करती हूँ। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो ताकि डेली रूटीन के ब्लॉग्स मिलेंगे, और क्या क्या लिए मैंने वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी आपसे। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, लव यू, बाय।